अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट मोहम्मद ऋषान मुमताज आपके साथ, उम्मीद है आपको खैरियत से होंगे। चलिए मैं आज एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, एक और छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, एक और छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका नाम है डिस्पोजल ऑफ हेड इनकम। एक और छोटा सा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका नाम है डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम। लेकिन याद रखना, ना शेयर खत्म हुआ है, ना डिबेंचर खत्म हुआ है, यह बड़ा लंबा चैप्टर है। इसमें लेजर बनाने हैं, इसमें बैलेंस शीट बनानी है, पास पेपर के 15-20 सवालात थे जो मुश्किल है वो मुझे करवाने हैं। तो अभी ये चैप्टर पूरे ग्रंथ में बाकी है, लेकिन हम चैप्टर को कवर करते चल रहे हैं। हमने शेयर्स को पढ़ लिया, डिबेंचर के अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे केस कर लिए। अभी हम इस पोजीशन में हैं कि हम इनकम आगे बढ़े और डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम हेडिंग डाल दी सर ने। डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम, अब सर ये है क्या डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम, आइए इस पर बात करें। बोलो भाई, मैसेज करके बोलो, आवाज आ रही है। अच्छा यार, एक छोटी सी अनाउंसमेंट है, एडमिन ने मुझे कहा है कि मैं आपसे कर लूं। अनाउंसमेंट ये है, देखो बेटा ये बात करते हुए मुनासिब तो नहीं लगता है, माशाल्लाह जी बेटा, जी बेटा, ये इशू के वक्त में डिस्काउंट है, रिडम्पशन के वक्त में लोगों का प्रीमियम हमारा लॉस है। चलो, तो कहने वाली बात ये है कि एडमिन ने मुझे अभी कहा, मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट आपको कर दूं। मुझे बहुत ही जाती तौर पर ये कहना मुनासिब नहीं है, ना हमारे सिस्टम की ऐसी कोई जो है वो रिवायत है कि हम वो कॉन्टिन्यूसली इस बात को बोले। बाकी इंस्टीट्यूट्स में तो खैर बहुत ही मामला गड़बड़ है, क्लासों में आके नाम लेते हैं और फिर वो, हम बस सिर्फ इतना कह रहे हैं आपसे, बस ये रिक्वेस्ट है कि देखो ये जो हालात हैं ये सबके लिए मुश्किल है कोविड वाले, लेकिन आपका इदारा आपके साथ है, हर लिहाज से आपको फैसिलिटेट कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत मेहनत से हमारे सारे उस्ताद पढ़ा रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आपको पूरी सर्विसेज मिल रही है। मेहरबानी करके फीस को टाइम पे सबमिट करने की कोशिश करें, क्योंकि देखिए इदारे के खर्चे अपनी जगह पर, ना हम किसी टीचर की सैलरी कम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ना हमारा इदारा जगह का रेंट कम दे रहा है, ना बिजली का बिल कुछ कम आ रहा है, सारी चीजें हुई हैं अपनी जगह पर, आप यकीन करें। अब बहुत सारे पेरेंट बोलते हैं बिजली का बिल कम आ रहा है, तो भाई ये कमर्शियल एक्टिविटी का जो लाइन रेंट होता है ना फिक्स होता है, बिजली एक जैसी आ रही है हमारी, बिजली का बिल वही है, टीचर की सैलरी अपनी जगह पर, बच्चे क्लासों में नहीं है, घर में बैठे हैं, ऊपर ये इंटरनेट की अच्छी लाइन लेकर उसकी सर्विसेज का खर्चा अलग, लैपटॉप खरीदो, कैमरे खरीदे, तो इदारा मुश्किल है, बड़े से बड़े इदारे के लिए भी मुश्किल है, बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए मुश्किल है। तो ये मुश्किल टाइम है बेटा, तो इसमें यह है कि अगर सहूलत है, कोई वो नहीं है, अगर आपके पास सहूलत है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सहूलत रखी है जिंदगी में, और आप फीस टाइम पे दे सकते हैं तो भैया जरूर पे कर दें टाइम पे। नहीं, अगर कोई मसला है एडमिन से बात करिए, सर फजील को बता दीजिए, उसको मैनेज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारा बेहतर तो ये है कि आप टाइम पे फीस भरें। मुझे बिल्कुल जाती तौर पर अच्छा नहीं लगता है अनाउंस करना, लेकिन मुझसे कहा गया, इसके बाद ये बात कर दी आपसे, कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ करना चाहता हूँ आपसे। अब आगे आ गई
डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम है। अब सुन लो मेरी बात तवज्जो से। देखिए कंपनी को जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है, कंपनी को अपने ऑपरेशन से या प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, ये प्रॉफिट या लॉस कंपनी एकदम नहीं बांट पाती, मजबूरी है ये कंपनी की। उसकी वजह ये है कि कंपनी के जो ओनर है वो शेयर होल्डर है और वो करोड़ों की तादाद में, तो मजबूरन कंपनी को अपना सारा मुनाफा आगे ट्रांसफर करना पड़ता है। सोल प्रोपर्टीशिप में आसान है, सोल प्रोपर्टीशिप में पार्टनरशिप में आसान है, प्रॉफिट सीधा उनके चला जाता है कैपिटल के अंदर। लेकिन यहाँ पर कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी कंपनी को अपने ऑपरेटिंग अपने ऑपरेशन से जनरेट होगा, वो सारा प्रॉफिट लॉस कंपनी पहले ट्रांसफर करती है, ट्रांसफर करती है कहाँ, रिटेन्ड अर्निंग में। ये मैंने जब आप बैंकिंग पढ़ रहे थे तो बैंकिंग में भी ये बात बहुत तफसील से बताई गया कि कंपनी का सारा मुनाफा पहले चला जाता है रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, अब ये जो रिटेन्ड अर्निंग है ये बाई नेचर इक्विटी ही है। ठीक है, बस ये कैपिटल से अलग करके मुनाफे को रख दिया है। इसकी जो नेचर है ये बाई नेचर इक्विटी है। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता हमें लॉस होता है तो ये रिटेन अर्निंग को लॉस क्या कर देगा, डेबिट कर देगा। और अगर हमें हमारे ऑपरेशन से मुनाफा हुआ तो रिटेन अर्निंग बढ़कर क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये इक्विटी नेचर अकाउंट है। दोबारा बोलिएगा सर, चूंकि ये इक्विटी नेचर अकाउंट है, अगर हमें हमारे ऑपरेशन से क्या हुआ बोलो, अगर हमें हमारे ऑपरेशन से प्रॉफिट हुआ तो ये बढ़कर क्रेडिट हो जाएगा, अगर खुदा ना करे हमें हमारे ऑपरेशन से लॉस हुआ तो ये कम होके डेबिट हो जाएगा। जैसे इक्विटी को ट्रीट किया जाता है वैसे ही इसे भी ट्रीट किया जाएगा। अगली इसके बाद, अच्छा अब जैसे ही मुनाफा हुआ ना, यहाँ से डिस्पोजल स्टार्ट हो गया। पहले प्रॉफिट रिटेन अर्निंग में गया, रिटेन अर्निंग के बाद इसकी एलोकेशन होती है, यानी कि रिजर्व मेंटेन होंगे। क्या मेंटेन होंगे सर, रिजर्व मेंटेन होंगे। रिजर्व क्या है, इक्विटी में से कुछ पैसा उठाकर अलग किया फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कौन सा पर्पस स्पेसिफिक, बिल्डिंग एक्सटेंशन, फर्नीचर रिप्लेसमेंट, डिबेंचर की रीपेमेंट, कंटिंजेंसी का रिजर्व, सिंकिंग फंड का रिजर्व, है ना, किसी भी एक्सपेक्टेड लॉस के लिए कुछ पैसे उठा के रख दिए। बिल्डिंग एक्सटेंशन करानी है, प्लांट रिप्लेसमेंट करवाना है, तो भैया कौन भरेगा पैसे, जो कंपनी के ओनर है, तो ओनर तो शेयर होल्डर है, तो कंपनी में आते ही नहीं है वो करोड़ों की तादाद में, उनसे पैसा कैसे लें। तो वो जो प्रॉफिट हम सारा रिटेन अर्निंग डाले तो उसमें से कुछ पैसा उठा के कहाँ रख लेते हैं, बोलो भाई कहाँ रख लेते हैं, रिजर्व में। तो ये भी बाय नेचर इक्विटी ही है, ये भी बाय नेचर इक्विटी ही है, ये बाय नेचर ये भी इक्विटी अकाउंट है। ठीक है, बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, डिक्रीज होगा तो डेबिट। ठीक इसी तरीके से रिजर्व बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट होंगे, इंक्रीज होंगे तो ये क्रेडिट होंगे, डिक्रीज होंगे तो बोलो भाई, डिक्रीज होंगे तो ये डेबिट हो जाएंगे। ठीक हो गया, जब पहला स्टेप क्या हुआ सर, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट हो गया कल के आ रहे बचपन में। दूसरा स्टेप क्या है, प्रॉफिट
सॉफ्टवेयर को ट्रांसफर किया, कहा तीसरे स्टेप क्या है, रिजर्व मेंटेन किया, चौथा इफेक्ट क्या होगा सर, चौथा इंपैक्ट क्या होगा डिस्पोजल का, वो ये है पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, ये है चौथा इंपैक्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। अब बाकी शेयर होल्डर को मुनाफा, ये जो डिविडेंड की पेमेंट है ये इक्विटी नहीं है, ये इक्विटी नहीं है, ये लायबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है भैया। जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाया है उनको डिविडेंड बांटोगे, ठीक है। इसी तरह जब आप डिविडेंड की लायबिलिटी को बढ़ता हुआ देखेंगे तो आप इसे क्या करेंगे सर, क्रेडिट करेंगे, और जब डिविडेंड पे हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो आप उसे डेबिट करके खत्म करने की लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट कम होगी तो डेबिट हो जाएगी सर। उसके बाद रिटेन अर्निंग का बचा हुआ हिस्सा, उसे हम कहते हैं अनएप्रोप्रिएट, उसे हम कहते हैं अनएप्रोप्रिएट रिटेन अर्निंग, ठीक है। तो ये स्टेप है भाई, ये स्टेप है। अच्छा, अमूमन जो हमारे यहाँ कल्चर है पढ़ाने का, वो टीचर आते हैं धड़ाधड़ इंट्रीज बनाते हैं और समझा देते हैं, तरीका वो भी सही है, लेकिन मैं आपको अल्लाह करे आप इसे मेरी पढ़ाई के बातें आप याद रख पाए तो इंशाल्लाह प्रोफेशनल लेवल पर भी चले जाएंगे तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। तो ये मैं आपको उस तरह पढ़ा रहा हूँ कि आपको इंशाल्लाह जिंदगी में आगे भी ये चीजें हेल्प आउट करेंगी। अब ये एप्रोप्रिएट रिटेन अर्निंग है, ये इसका डेबिट क्रेडिट दोनों बैलेंस हो सकता है। अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो ये पॉजिटिव आएगा, अगर इसका नेगेटिव बैलेंस है, इसका क्रेडिट बैलेंस बचता है तो ये पॉजिटिव है, और अगर खुदा ना करे इसका डेबिट बैलेंस बचता है तो ये नेगेटिव वैल्यू है। अब इसका पॉजिटिव बैलेंस भी हो सकता है, और पॉजिटिव कब होगा जब बैलेंस क्रेडिट बचेगा, ये बैलेंस है। ये क्या है मेरे बच्चों, ये बैलेंस बचा हुआ सारा मुनाफा कहा गया है, जिसका पर्पस अब तक डिसाइड नहीं हुआ। बोलो कोई मसला, बोलो भाई कोई मसला, ट्रांसफर प्रॉफिट और लॉस इनटू रिटेन अर्निंग, जो प्रॉफिट या लॉस हुआ उसे कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, जो प्रॉफिट या लॉस हुआ उसे कहाँ ट्रांसफर कर दोगे सर, हम उसे रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देंगे, क्या एंट्री बनाओगे भाई, क्या एंट्री बनाओगे जल्दी बताओ। जब मुनाफा होता है तो इनकम समरी का, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी का,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट बैलेंस, जल्दी बताओ। जब प्रॉफिट होता है तो इनकम समरी बोलो, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू समरी बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलो, इसका डेबिट बैलेंस होता है या क्रेडिट? भाई जवाब आया क्रेडिट बैलेंस, शाबाश। अब जैसे ही तुम मुनाफा रिटेल अर्निंग में डालोगे, जैसे ही प्रॉफिट तुम रिटेल अर्निंग में डालोगे, रिटेल अर्निंग बढ़ेगा। रिटेल अर्निंग की नेचर इक्विटी है, बढ़ेगा तो क्रेडिट होगा, और इनकम समरी अकाउंट को डेबिट करोगे, क्या एंट्री बनाओगे? सर हम एंट्री बनाएंगे इनकम समरी अकाउंट डेबिट, इनकम समरी अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे किसे? रिटेल अर्निंग को इनकम समरी अकाउंट डेबिट, रिटेल अर्निंग क्रेडिट। हमने क्या किया, हमने क्या किया, वी ट्रांसफर प्रॉफिट इनटू रिटेन अर्निंग अकाउंट, मुनाफा उठा के रिटेन अर्निंग में पुट अप कर दिया, रिटेन अर्निंग बढ़ा, इंक्रीज इन इक्विटी विल बी क्रेडिट, और वो जो इनकम समरी का क्रेडिट बैलेंस था उसे डेबिट करके खत्म किया। तो मुनाफा होता है तो इनकम समरी का क्रेडिट बैलेंस होता है। अब ये वो लोग जानते हैं जो फर्स्ट ईयर में क्लोजिंग एंट्री पढ़ के आ रहे हैं, तो याद करो क्लोजिंग एंट्री में डेबिट साइड पे इनकम समरी का बैलेंस मिलता था, क्रेडिट साइड पे वो डेबिट क्रेडिट माइनस करके कैपिटल में डाल देते, लेकिन वो था सोल प्रोप्राइटरशिप, ये पार्टनरशिप, सॉरी ये जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो यहाँ जो भी प्रॉफिट होगा वो कैपिटल मिल जाएगा, रिटेल अर्निंग मिल जाएगा। ठीक हो गया, पहला ट्रांजेक्शन बना दिया जिसमें हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया रिटेल अर्निंग अकाउंट में। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अब अगर हमें नुकसान हुआ, अगर हमें नुकसान हुआ और लॉस हुआ, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, कोई बेवकूफ ये ना समझे कि पहले केस में ए और बी दोनों बने, या ए बनेगी या बी जो अब बना रहा हूं वो बनेगी। अगर हमें लॉस हुआ और लॉस हम रिटेल अर्निंग में ट्रांसफर करें तो बोलो रिटेल अर्निंग बढ़ेगा या कम होगा? जब हम माउस डालेंगे रिटेल अर्निंग में तो रिटेल अर्निंग इंक्रीज होगा या डिक्रीज? बोलो इंक्रीज होगा या डिक्रीज? सर डेफिनेटली डिक्रीज होगा, और जब रिटेल अर्निंग डिक्रीज होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे। अब एंट्री क्या बनेगी? रिटेल अर्निंग डेबिट और इनकम समरी अकाउंट इनकम समरी अकाउंट क्रेडिट। ठीक हो गया, बोलो भाई उस्मान, बोलो अपना मुजम्मिल हारिस अम्मार अमीन सिद्दीकी हसन क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा ट्रांजैक्शन, दूसरी एंट्री,
appropriation of reserves and its disposal पहले रिजर्व जनरेट करेंगे पहले रिजर्व जनरेट करेंगे फिर रिजर्व को डिस्पोज ऑफ करेंगे आ जाएंगे और नहीं लिखा है एंड लिखा है दोनों काम होंगे इसमें बताओ हमने सारा मुनाफा कहां ट्रांसफर कर दिया था बोलो जल्दी मरियम मरियम लतीफ मरियम मरियम बेटा जल्दी बोलिए आयशा मरियम महा महम उमा मनाहिर परीशा अनीशा सजीहा रुबाब तहरी उमेरा शाबाश हमने सारा मुनाफा कहां ट्रांसफर कर दिया था सर आपको सारा का सारा प्रॉफिट या सारा का सारा लॉस ऑलरेडी वी पेड अरबे पे ट्रांसफर कर चुके अब जो मैं रिजर्व जनरेट करूंगा एप्रोप्रिएट करूंगा क्रिएट करूंगा तो बताओ पैसे किस अकाउंट में से निकालूं बताओ पैसे किस अकाउंट में से निकालूं अरीशा अरीशा पैसे किस अकाउंट में से निकलवाओ उमा उमेरा अम्मार महा महा शाबाश रिटेन अर्निंग से निकालूं बताओ जब मैं रिटेन अर्निंग से पैसा निकालूंगा तो रिटेन अर्निंग बढ़ेगा या कम होगा सर डेफिनेटली कम होगा रिटेन अर्निंग कम होगा तो डेबिट और पैसा कहां चला जाएगा रिजर्व के अकाउंट में रिजर्व भी इक्विटी का नेचर है रिजर्व फॉर डैश तो सर ये डैश में क्या आएगा जिस नाम का रिजर्व होगा वो नाम आ जाएगा ठीक हो गया अब रिजर्व को डिस्पोज करेंगे इसकी लॉजिक में समझा दूंगा डिस्पोजल ऑफ रिजर्व की एंट्री आगे जाके समझाऊंगा ऐसा क्यों होता है बैलेंस शीट बनाओ तो वहां पर एक केस कराऊंगा डिस्पोज भी करके दिखाऊंगा इसके बारे में बात करेंगे एंट्री को पलट देंगे एंट्री बनाएंगे रिजर्व रिजर्व फॉर डैश जो भी होगा डिवेंचर रिडक्शन प्लांट एक्सटेंशन बिल्डिंग एक्सटेंशन फर्नीचर रिप्लेसमेंट सिंकिंग फंड कंटिंजेंसी रिडक्शन ऑफ डिवेंचर पेमेंट ऑफ टैक्सेस किसी को रिजर्व बनाया और फिर रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट सभी एंट्री रिवर्स हो गई हाँ क्यों लॉजिक अभी बोल रहा हूँ बता दूंगा फिलहाल इसको याद कर लेंगे जो 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 एप्रोप्रिएशन की एंट्री उसको रिजर्व करते उसको रिवर्ट करते बन गया सर डिस्पोजल ऑफ रिजर्व आखिरी स्टेप रह गया पेमेंट ऑफ डिविडेंड
declared and paid. Declare and pay dividend. क्या लिखा सर इसमें ए का फल पहला कैश डिविडेंड पहले हम कैश डिविडेंड यानी कि शेयर होल्डर को मुनाफा कैश की शक्ल में देंगे शेयर होल्डर को पैसे देंगे ₹2 पर शेयर ₹5 पर शेयर ₹50 पर शेयर ₹1000 पर शेयर और जितना डिविडेंड आया पर शेयर के हिसाब से बांटेंगे लेकिन डिविडेंड के दो स्टेप होते हैं पहले स्टेप में हम डिविडेंड को डिक्लेयर करते हैं दूसरे स्टेप में हम उसे पे करते हैं ये दो स्टेप पहले अनाउंस करेंगे सुन लो भाई कंपनी डिविडेंड पे करने जा रही है जिन जिनके पास डिविडेंड है शेयर है वो उसे होल्ड कर ले कंपनी डिविडेंड अनाउंस करने जा रही है और फला तारीख तक जिसने डिविडेंड को होल्ड किया उसके अकाउंट में डिविडेंड आ जाएगा अगर बेच दिया तो जिसके पास जैसे मिसाल के तौर पर मेरे पास शेयर है कंपनी ने अनाउंसमेंट की 25 दिसंबर की तारीख जो 25 दिसंबर की डेट तक जिसने शेयर अपने पास रखे उसको डिविडेंड मिलेगा मैंने 24 तारीख को बेच दिए मुजम्मिल को अब डिविडेंड मुझे नहीं मिलेगा 25 तारीख के दिन आखिरी होल्डिंग किसके पास है मुजम्मिल के पास तो डिविडेंड मुजम्मिल को मिलेगा तो पहले ये अनाउंस होता है इसका वारंट इशू होता है चालान जिसके नाम पे है शेयर एक स्पेसिफिक डेट को उसके नाम एक वारंट इशू होता है फिर वो वारंट आप ले जाकर कंपनी में दिखा कर या अपने बैंक के थ्रू प्रेजेंट करवा कर उस डिविडेंड को कलेक्ट करवाते हैं आप कमर्शियल बैंक के फंक्शन में पढ़ते आ रहे हो एजेंसी सर्विस है कलेक्शन ऑफ डिविडेंड तो आपका बैंक भी करता है आपके बिहाफ पे कलेक्ट आप खुद भी जाके कंपनी से कलेक्ट कर ले वारंट दिखा के तो भाई ये डिविडेंड क्या है शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट को डिविडेंड कहते हैं सर ये कैश डिविडेंड क्या है जब कंपनी प्रॉफिट कैश की शक्ल में पे करे उसे कैश डिविडेंड कहते हैं सर डिविडेंड पहले अनाउंस होता है जैसे ही अनाउंस होता है कंपनी की लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आने वाले 45 दिनों या 90 दिन को है लीगल डेट उसके अंदर आपने डिविडेंड को पे करना है तो आप बताओ मैं पैसा कहां से निकालूं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड पे करने का पैसा कहां से निकालें बोलो रिजर्व से निकालो भाई रिजर्व से क्यों निकालूं रिजर्व तो मेंटेन हो गया बिल्डिंग एक्सटेंशन प्लांट तो मेंटेन है पैसा रिजर्व में पड़ा हुआ है रिटेल अर्निंग में पड़ा हुआ है आयशा हाँ सर पैसा रिटेल अर्निंग से निकलेगा एंट्री भरेगी जब रिटेल अर्निंग में सारा प्रॉफिट आ गया तो वहीं से एलोकेशन होगा वहीं सारी रिजर्व से क्यों निकालूं तीन एंट्री बनाएं रिटेल अर्निंग डेबिट चूंकि अभी अनाउंस किया है डेबिट नहीं की तो कैश लाइबिलिटी बन गई आपकी अब ये जिम्मेदारी है टेक्निकली और लीगली कि भाई अब आपने इसको पे करना है नहीं पे किया था तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनके खिलाफ जो होता है ना पर्चा हो जाएगा मुकदमा यानी केस फाइल हो जाएगा शो हो जाएगा अब 45 डेज बाद आप जब पेमेंट करेंगे तो ये लाइबिलिटी खत्म होगी जब अनाउंसमेंट की थी लाइबिलिटी बढ़ के क्रेडिट हो गई थी अब जब मैं पेमेंट करूंगा तो मेरी लाइबिलिटी कम होगी लाइबिलिटी बढ़ी थी तो क्रेडिट कम होगी तो डेबिट कैश डिविडेंड पे एबल क्रेडिट अब बताओ हम लोगों को क्या दे दे तो हमारा मामला हल हो जाए सर आप कैश या बैंक पैसे पर
पैसे जाएंगे बैंक के कैश वाला एसेट कम होके क्रेडिट हो जाएगा। बोलो अग्री। पहले डिविडेंड अनाउंस किया, अनाउंस करने के बाद टाइम दिया, तो जैसे ही अनाउंसमेंट की आपकी लाइबिलिटी बन गई, फिर ड्यू डेट के दिन पेमेंट करी तो पैसा अकाउंट से गया, लाइबिलिटी सेटल्ड, रिटेन एंड इनडेबिट कैश डिविडेंड पेबल क्रेडिट, फिर कैश डिविडेंड पेमेंट डेबिट और बैंक या कैश क्रेडिट। चलो भाई समझ में आ गया, बोलो अभी। अच्छा सर हमें ये समझ नहीं आया, आपने एक ही लिखा ना आएगो। जब मैं इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ा रहा था तब मैंने बताया था कि दो तरह के डिविडेंड होते हैं, एक कैश डिविडेंड होता है, एक स्टॉक डिविडेंड होता है। कैश डिविडेंड ये है कि कंपनी मुनाफा कैश की शक्ल में देगी, स्टॉक डिविडेंड ये होता है कि कंपनी मुनाफा शेयर की शक्ल में देगी। सर क्या मतलब शेयर की शक्ल में दे? मिसाल के तौर पे आपके पास 100 शेयर है, कंपनी ने बोला भाई हमने डिसाइड किया हमारा कैश रिजर्व इस वक्त कम है, हमने डिसाइड किया हम आपको बोनस शेयर देंगे। मैंने बोला कौन सा शेयर दोगे? उन्होंने कहा बोनस शेयर। बोला ये क्या बला होती है? उन्होंने कहा परेशान ना हो, समझा रहे हैं। बोनस शेयर से बोला ये है कि जिसके पास 100 शेयर है उसको 10 मिल जाएंगे। रेशो निकलिए ना, 100 शेयर पे 10 मुफ्त शेयर आपके अकाउंट में आए। डिविडेंड अनाउंस होगा, आप शेयर होल्ड करके बैठे रहे, एक दिन आएगा आपके अकाउंट में 100 में 110 शेयर होगा। जिसके पास 1000 है उसे कितने मिल जाएंगे? 100 शेयर मिल जाएंगे मुफ्त में, तो 1100 हो जाएंगे। जिसके पास 10000 शेयर है उसको कितने शेयर मुफ्त मिलेंगे? 1000। जिसके पास 100000 शेयर है उसको कितने शेयर मुफ्त मिलेंगे? 10000। तो सर ये क्या है? ये बोनस शेयर है जिसका, इसे कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं, इसे कैपिटलाइजेशन भी कहते हैं। क्या मतलब कैपिटलाइजेशन? सर पैसा कोई ना कोई तो देगा, डिविडेंड इशू हो रहा है, डिविडेंड इशू हो रहा है, सॉरी शेयर इशू हो रहा है तो कोई तो खरीदेगा। सर कौन खरीदेगा? कंपनी रिटेन अर्निंग से पैसे निकाल के शेयर खरीद के वो शेयर मुफ्त में किसको दे देगी? हम शेयर होल्डर को कैश नहीं दे पा रहे। किस वजह से नहीं दे पा रहे? किस वजह से नहीं दे पा रहे? सर हम इसलिए नहीं दे पा रहे, हम पैसा इसलिए नहीं दे पा रहे कि हमारे पास पैसे है ही नहीं। किसी वजह से कोई प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे फंसे हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस में गए हैं, पैसे फंसे हैं। अब पैसे होते तो हम डिविडेंड दे देते कैश का, लेकिन हमारे पास पैसे की किल्लत होने की वजह से हमने स्टॉक डिविडेंड अनाउंस किया। अब हमने लोगों को बोला कि भैया आपको मुफ्त शेयर मिलेंगे, हर 100 पर 10 शेयर मुफ्त मिलेंगे। लोग खुश हो गए। अब जब कंपनी शेयर इशू करेगी तो पैसे तो कोई भी नहीं दे रहा। लोगों से अगर पैसा मांगे तो लोग चिल्ला पड़ेंगे, बोलेंगे अरे ये तो हमें मुनाफा दे रहे हो और पैसे लेकर दे रहे हो, ये कैसा मुनाफा है कि आपको मुनाफा मिला पहले पैसे दो फिर मुनाफा मिलेगा? अबे मुनाफा तो मुनाफा है, ये तो मेरा, मैंने तो कंपनी में इन्वेस्ट ऑलरेडी कर रखा है, मैं तो कंपनी के शेयर खरीद चुका हूँ, अब तो फल खाने का टाइम है, अब तो मुनाफा मिलने का टाइम है, मैं तो इन्वेस्टमेंट कर चुका हूँ। तो अब कंपनी पैसे कहाँ से निकालेगी? वो रिटेन अर्निंग में जो मुनाफा था ना उसमें से रिटेन अर्निंग को डेबिट करके और डिविडेंड शेयर मुफ्त में इशू कर देगी, इसे कैपिटलाइजेशन कहते हैं। देखो क्या एंट्री बनेगी, सर में हेडिंग डाली डिक्लेयर्ड एंड पेड। Declared and paid stock dividend. पहले डिविडेंड अनाउंस होगा, पहले डिविडेंड अनाउंस होगा A1 एंट्री बनेगी B10। डेबिट
स्टॉक डिविडेंड पेएबल क्रेडिट, फिर सर दिन आ गया जिस दिन हमने डिविडेंड पे करना है, ए टू ए वन था, ए टू है, ये फोर ए वन है, फोर ए टू है। अब हम कंपनी अपनी लायबिलिटी को सेटल करेंगे तो जो स्टॉक डिविडेंड पेएबल है उसे डेबिट करके खत्म करेंगे। और शेयर इशू होंगे, शेयर इशू होंगे मुफ्त में, शेयर मुफ्त। अब पैसा सेटल करेंगे रिटेल कैपिटल जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, शेयर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। अच्छा, इसमें प्रीमियम डिस्काउंट हो सकता है, तो अगर प्रीमियम डिस्काउंट होगा तो वो भी रिकॉर्ड करेंगे, इफ प्रीमियम तो क्रेडिट। और इफ ये हो गया, ये है जी कुल मिलाकर एंट्रीज इसकी, डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम की, आ गया ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है भाई होने वाला स्क्रीन पर, कट तो नहीं रहा भाई, ये एंट्रीज है कुल मिलाकर। अब ये सैंपल मैक्सिमाइज हो गया है, अब आपने करना ये है कि बस इसके सवाल हम करेंगे, फिर इसको शेयर्स को डिबेंचर को मिला लेंगे आपस में, इसको शेयर को डिबेंचर को मिला लेंगे आपस में, ठीक हो गया। ठीक है, अच्छा अगर कोई मसला आपने आप किसी को लग रहा हो कि सर ये फाइनल एंट्री दोबारा बता दो, तो वो कोई मसला नहीं, अभी तो सिर्फ सैंपल लिखवाया है, अभी कल से इसकी, कल से मतलब अगली क्लास से इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, तो फिर पास्ट पेपर के सवाल आप करेंगे इसमें सारे सॉल्व हो गए इंशाल्लाह। ठीक है, चलो भाई अल्लाह हाफिज़।